क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से सियासी दायित्व से मुक्त करने की अपील की है। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैंने पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से विनती की है कि वे मुझे राजनीतिक दायित्व से मुक्त करें ताकि मैं आने वाले क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सकूं। उन्होंने अपनी पोस्ट में सेवा का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया है। बहरहाल गंभीर के ट्वीट से साफ हो गया है कि वे पूर्वी दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी यहां किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। उल्लेखनीय है कि 2019 में गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,91,000 वोटों से हराया था। गंभीर को पूर्वी दिल्ली से इस बार टिकट मिलने पर संशय था। पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि भाजपा इस सीट से उम्मीदवार बदल सकती है। गंभीर आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए मेंटर की भूमिका निभाएंगे। गंभीर को 2011 में क्रिकेट विश्व कप के आखिरी मुकाबले में 122 गेंदों पर 97 रन बनाकर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। इस मैच के बाद भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। गंभीर 2007 आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी।